आप सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड संसाधन संयोजक राजौंद, एक नई जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं क्या जानकारी। स्क्रीन के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के द्वारा सभी डाइट प्राचार्य, जिला परियोजना संयोजक, सर्वखंड शिक्षा अधिकारी और सर्वखंड संसाधन संयोजक के नाम 24 जुलाई 2023 को ये पत्र जारी किया गया है। विषय है ई अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की अनुपालना भारे। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, ई अधिगम मिशन पूरे हरियाणा में पूरे जोर शोर से चल रहा है और इसकी उपयोगिता चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, की बढ़ाने की बात चलती रहती है। आंकड़े भी आते रहते हैं कि परसेंटेज में हम किस स्टेज पे हैं, डैशबोर्ड के माध्यम से ई अधिगम टीचर हमारे कितने बने हैं, ई अधिगम स्टूडेंट हमारे कितने बने हैं, चाहे वो खंड की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो या फिर स्टेट लेवल पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निदेशालय द्वारा जारी विभागीय पत्र, बहुत सारे पत्र आते रहते हैं टाइम टू टाइम, 14 जुलाई 2023 रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ ई अधिगम रिव्यू एंड विजिट्स। फिर 21 जुलाई 2023 को पत्र है रिगार्डिंग टारगेट्स फॉर स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन 28 जुलाई 2023। फिर 21 जुलाई 2023 के अनुसार ही रिगार्डिंग अपडेट ऑफ MDM इन टैबलेट्स तथा जिला कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या दिनांक 21 जुलाई 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। इनकी अनुपालना अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले समस्त खंड शिक्षा अधिकारी सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को ई अधिगम रिव्यू बैठक करवाना सुनिश्चित करें तथा निदेशालय द्वारा दिए गए गूगल फॉर्म पर रिपोर्ट वीरवार दोपहर बाद 1 बजे से पहले भरवाना भी सुनिश्चित करें। इसके लिए पहले से पत्र बार बार आ रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप उनको भी टाइम टू टाइम पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे के सारे विभागीय पत्र आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हर बार भेजे जा रहे हैं। ये सभी हेड्स की, सभी टीचर्स की जिम्मेवारी है कि उन लेटर को वो ध्यानपूर्वक समझें, उस पर अमल करें और अपने बच्चे और टीचर मिलकर इस मिशन को या कैथल डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने का कार्य करें। सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि डाइट प्राचार्य, समस्त डाइट लेक्चरर, उप जिला शिक्षा अधिकारी कम DPC, समस्त सहायक DPC APCs, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड संसाधन संयोजक, समस्त खंड संसाधन व्यक्ति BRPs, समस्त सहायक खंड संसाधन संयोजक ABRCs, समस्त ई अधिगम खंड नोडल अधिकारी तथा ई अधिगम जिला नोडल अधिकारी विभागीय पत्र अनुसार ई अधिगम स्कूल विजिट पूर्ण करें तथा विभाग द्वारा जारी किए गए गूगल फॉर्म पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। प्रत्येक माह जिले के समस्त खंडों के सभी ई अधिगम विद्यालयों को कवर करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारीगण प्रत्येक माह कम से कम 8 ई अधिगम स्कूल विजिट अवश्य करेंगे। इसके लिए भी पिछली वीडियो में भी इसकी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग या जो पत्र हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट इसमें है वो है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी आगामी राज्य स्तरीय ई अधिगम रिव्यू मीटिंग 28 जुलाई 2023 से पूर्व निम्नलिखित टारगेट पूर्ण करें। सबसे पहला है स्टूडेंट सिम रिक्वेस्ट ऑन अवसर पोर्टल, जो कि 100% हो जाना चाहिए काम। ये सिम एलोकेशन ऑफ एक्टिवेटेड सिम ऑन अवसर पोर्टल, ये भी 100% हो जाना चाहिए कार्य। ई अधिगम स्टूडेंट
बनाने का जो लक्ष्य है हमारा वो 10% रखा गया है, इसको कम से कम हम अचीव करें। इसी प्रकार ई अधिगम टीचर्स जिस जो कि टारगेट है 50% का, वो भी हमें इस मीटिंग से पूर्व प्राप्त करना है। इसके साथ साथ जो टैबलेट्स विद लेटेस्ट ओएस वर्जन 1.3 ये भी 100% हमारा कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इसके लिए भी आप विभागीय पत्र पढ़ सकते हैं। ये समय पे हम वीडियो भी मेरी भी हम बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, समय अनुसार आप उसको भी देख सकते हैं। एडू मीडिया चैनल पर ही आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है इसमें, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 24 से 29 जुलाई तक सभी विद्यार्थियों के टैबलेट में MDM अपडेट हो और उनके टैब में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो। इसके लिए भी आप अधिक जानकारी के लिए विभागीय पत्र अवश्य पढ़ें। उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना दृढ़ता से की जाए। किसी भी प्रकार की कोताही के लिए संबंधित अधिकारीगण कर्मचारीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि जो टारगेट रखे गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा उस पर चर्चा की गई है। इसे अगर आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो उसमें सारी बातें हमने बताई हैं कि MDM जो इंस्टॉलेशन करना आपने उस किस प्रकार से करना है, क्या क्या उसके अंदर आपको जानकारी चाहिए, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप सभी बच्चों के MDM इंस्टॉल करने का कार्य करेंगे। उसी प्रकार उसी वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर ही हमने बताया था कि सभी सर्विस सेंटर पूरे हरियाणा के उस वीडियो में है कि अगर आप कैथल की बात करेंगे तो उस कैथल का भी उसमें जिक्र किया हुआ है कि सर्विस सेंटर पे जाके आप इस प्रकार की टैबलेट से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको भी दूर करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये तैयार की है। आशा है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत काम आएगी और विशेषकर जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वीडियो है, क्योंकि लेटर ही कैथल के जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे श्री रविंदर चौधरी जी, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।